नमस्कार दोस्तों, गुरु केम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु केम अकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। हम जो है इस वीडियो में कॉलेज लेक्चरशिप के केमिस्ट्री के जो दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और सेकेंड, उनका सिलेबस जो है मैं केवल दिखाना चाहता हूँ आपको कि आप बिल्कुल आराम से उसको कर सकते हो और ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा गैप लग गया हो, अपन केमिस्ट्री के हर कंसेप्ट को कवर करेंगे, ठीक है। नहीं है 2014 में जो वैकेंसी आई थी उसका इंटरव्यू मैंने फेस किया था, ठीक है, और क्या क्या ड्रॉबैक रहे मेरे सिलेक्शन न होने के पीछे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमें जो है इंटरव्यू का वेटेज खत्म करना है। आपको पता है 75 नंबर का पेपर फर्स्ट होएगा, 75 नंबर का पेपर सेकंड होएगा। 150 क्वेश्चन आते हैं, 3 आवर यानी 3 घंटे आपके पर पेपर आपको दिए जाते हैं, ठीक है। नहीं लगभग 150 नंबर का ये मैटर होता है केमिस्ट्री का, और 150 में से ये मान के चलो कि 140-145 आपको लानी है, ठीक है। नहीं है और फिर बचती है पेपर थर्ड की बात, और पेपर थर्ड जो है वो आपका राजस्थान जीके का होता है, और राजस्थान जीके वाले में अपन केमिस्ट्री वाले कितना ही बढ़िया कर लें, जिसने केमिस्ट्री छोड़ दिया पूरी तरह जीके पे फोकस हो गया हो, वो केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है लेकिन कंसेप्चुअल नहीं पढ़ रहा, उसके बढ़िया नंबर आ जाते हैं। लेकिन जो कंसेप्चुअल केमिस्ट्री पढ़ता है उसका जीके कहीं ना कहीं क्या रह जाता है, वीक रह जाता है। तो 25-30 के आसपास नंबर आते हैं, ठीक है। नहीं है हमको कोशिश ये करना है कि अपन इंटरव्यू का वेटेज क्या कर दे, पूरी तरह खत्म कर दे। 24 नंबर का इंटरव्यू का होता है, उसका कोई लेना देना नहीं हो अपने सिलेक्शन में, यानी कि अपन को टोटल 170-180 मार्क्स होना है। नंबर ऑफ सीट भी कम है, आपको पता है चित्रा, ठीक है। नहीं है नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, इसलिए अपन को प्रिपरेशन को उसी प्रकार से करना है, बहुत इंटेंसिव तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। नहीं है और ऐसा अपन को माहौल बनाना है कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन अपने चैनल से निकले, क्लियर है। कोशिश करूंगा कि सबको मैं इंटरव्यू तक लेके जाऊं, बस आप लोगों का साथ चाहिए, इसलिए आप लोग बिल्कुल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट वगैरह करते रहिए, ताकि लोगों का ध्यान अपने ऊपर रहे, ठीक है। नहीं है चलें, तो देखो सिलेबस की बात करें तो ये पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में आप देखोगे केमिकल प्रोड्यूसिटी, जो भी प्रॉपर्टी होती है प्रोडिक प्रॉपर्टी, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हुई, आयनाइजेशन एंथैल्पी हुई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई, एटॉमिक रेडियस का क्या ऑर्डर है, वैन डर वाल फोर्सेस वगैरह क्या किस हिसाब से वेरी वगैरह होते हैं, सोल्युबिलिटी वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। दूसरा जो है वो है केमिकल थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग, इसमें वेस्पर थ्योरी वगैरह MOT वगैरह पूछी जाती है। नेक्स्ट है एसिड बेस, तो एसिड बेस में जो बेसिक चीज है यहाँ पे अपने पास 6-7 एसिड बेस थ्योरीज है, ठीक है। नहीं है तो उनको कंसीडर करेंगे अपन, और HSLV प्रिंसिपल को स्पेशल तौर पे पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे HSLV प्रिंसिपल बिल्कुल पॉइंट करके दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चंस अगर आएंगे एसिड बेस थ्योरी से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, एसिड बेस से बनेंगे, ठीक है। नहीं है फिर है ट्रांजिशन मेटल्स केमिस्ट्री, आप समझ गए होगे इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है बेसिकली। तो ये तो इतना सा जो पोर्शन था वो तो इनऑर्गेनिक का था, ये 4 यूनिट, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर है आपका, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शंस है, एरोमेटिसिटी वगैरह आ गई, ठीक है। फिर है रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ नेम रिएक्शन है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एल्डोल है, कैनिजारो है, परकिन है, स्टोक है, डिकमान है, आपकी हाफमान, स्मिट लोजन, कर्टियस, बेकमान, फ्रिस, रिफॉर्मेस्ट की, विटिक, फेवरस की, शैपिरो और बेयर विलिगर और माइकल एडिसन, ये सारी नेम रिएक्शन मैं ऑन टिप्स करवा दूंगा 1 वीडियो में, मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो होगा, ठीक है। ऑन टिप्स हो जाएगी सारी नेम रिएक्शन, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं RPSC में वो भी अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आप देखोगे एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स एंड डाइज, जो BSc थर्ड ईयर में आप पढ़ा करते थे वही है पोर्शन, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री और कंफर्मेशन एनालिसिस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा लंबा है, देखो एसिमेट्रिक सिंथेसिस भी दिया, स्टीरियो सेलेक्टिव भी दिया और स्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस भी दिया, RS नोमेनक्लेचर है, TL नोमेनक्लेचर है, तो थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर है स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिक चीजें रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, जिसमें आपका UV स्पेक्ट्रा जाएगा, और IR NMR और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के कॉम्बिनेशन पे जो स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से पूछ जाते हैं, बाकी स्ट्रक्चर इलुसिडेशन का ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना आएगा तो बहुत सिंपल आएगा, बहुत ईजी आएगा, ठीक है। नहीं है
नेक्स्ट आप देखोगे ईएसआर है, रमन है, फोटो एस्कोटिकर और फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो कि इंस्टीट्यूशंस नए के बराबर आते हैं। फिर भी अपन ऐसे करेंगे कि आरपीएससी इंस्टीट्यूशन पूछ ले तो अपन करने योग्य रहे। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, पूरी की पूरी ठीक है, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री को अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर या क्वांटम केमिस्ट्री के साथ मिक्स करके पढ़ेंगे। फिर है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स भी बिल्कुल सिंपल है, बस एक छोटा सा जो मेजर पार्ट है वो ये है कि थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस और साल्ट इफेक्ट आ जाता है, और काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फिर है थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में आप देखोगे कि ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है थ्योरी पूरी, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन का पार्ट भी दिया हुआ है, साथ में सॉल्यूशन भी है यहाँ पे, ठीक है, नहीं है तो थोड़ा वो सॉल्यूशन थोड़ा वो थर्मोडायनेमिक्स, और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको ध्यान में रखना है। फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम में से ही आते हैं। फिर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन आप पकड़ के चलना, पास भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल 15 यूनिट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, यानी कि एक यूनिट से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे, 10 क्वेश्चन बन सकते हैं एक यूनिट से, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अपन करें तो, ठीक है, नहीं है तो ये हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, 15 यूनिट यानी कि पर यूनिट आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी यूनिट से ज्यादा आ जाते हैं, किसी यूनिट से कम आ जाते हैं, क्लियर है कोई डाउट। अब हम जो चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे, अब चर्चा करेंगे अपन पेपर सेकंड की। देखो पेपर सेकंड में कुछ भी नहीं है बेटा, ये पेपर सेकंड है आपका, इस पेपर सेकंड में आप देखोगे थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आ जाते हैं, लेंथ नाइट्स आ गए आपके, एक्टिनाइट्स आ गए, केमिस्ट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट आ गए, यानी पी ब्लॉक आ गया पूरा पूरा, ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री है, ठीक है, नहीं है इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, कोई छोटी मोटी रिएक्शन है जैसे हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोफॉर्मुलेशन, आइसोमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन, ये आपका सॉलिड स्टेट आ गया। सॉलिड स्टेट को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है क्योंकि इसके 12-13 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, ठीक है, नहीं है। ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट आपको पढ़ना है, सिंथेटिक यूजेस पढ़ना है, किसका देख लो आराम से, एसिटो एसिटिक और मेलोनिक एस्टर, गिरना रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। फिर है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, तो इसको अपन साथ बाइंड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी पोर्शन है ये भी। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, डीटीए है, टीजी है, हालांकि आपके लिए ये पहली बार सुना हुआ वर्ड है, लेकिन बहुत कॉमन स्पेक्ट्रोस्कोप, बहुत कॉमन एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, आपके क्रोमेटोग्राफी भी आएगी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। फिर है ये दो टॉपिक जो आरपीएससी के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पुट करने में हेल्प करती है, ये दो टॉपिक जो हैं क्वांटम थ्योरी और स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, कंसेप्चुअल नहीं आएंगे आपके, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक बार दिमाग लगाने के लिए आपको बिल्कुल प्रेरित करेंगे कि आप दिमाग लगाओ फिर सॉल्व करो, ठीक है। इन क्वेश्चनों को भी अपन देखेंगे, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, परमिसिबल वगैरह है, कपलिंग स्कीम है इसमें, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, नहीं है। वेरिएशन थ्योरम आ जाती है, श्रोडिंगर वेरिएशन और हाइड्रोजन एटम, और देखो साथ में दे रखा है हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन, ये दोनों अपन कंसीडर करेंगे, ठीक है, नहीं है। फिर है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिस्ट्री और पॉलीमर, जो आपका एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूलर वेट वगैरह डिटरमाइन करने वाले के काम में आता है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं और डायरेक्ट कुछ चीजें हैं वो पूछी जाती है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। फिर है छोटा सा पार्ट है ग्रुप थ्योरी का, ग्रुप थ्योरी में से वाटर का, अमोनिया का बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट ग्रुप पूछ लिए जाते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन रिलेवेंट इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और फिर है केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, फैटी एसिड है, टर्पीन है, स्टेरॉइड है और एल्कलॉइड है, ये ऐसा पार्ट है इससे बहुत बढ़िया बढ़िया और लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है, नहीं है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कोलोइड और सरफेस केमिस्ट्री है, ठीक है, कोलोइड और सरफेस केमिस्ट्री को अपन फिजिकल केमिस्ट्री और पॉलीमर के साथ ही खत्म करेंगे। और फिर लास्ट में आता है आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये जस्ट लाइक आपकी ग्रीन केमिस्ट्री जैसा ही हो गया है, ये बायो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, नहीं है। तो ये आपके सिलेबस की बात हो गई है, यहाँ पे भी अपन बात करेंगे वही 75 मार्क्स आएंगे और आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 16 यूनिट है, वही 9 क्वेश्चन के आसपास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये तो वही सिलेबस की बात, सिलेबस में ऐसा कुछ लगा नहीं कि जो टफ है
पढ़ सकते हो, आराम से कर सकते हो। बस गिव अप नहीं करना है आपको, लास्ट तक हमेशा मोटिवेटेड रहना है, पढ़ाई के लिए प्रेरित रहना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होगा, जैसे मेरा ये लास्ट चांस है, मैं सेलेक्ट होऊंगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो जैसे चल रहा है वैसे ठीक है भाई, होता है तो हो जाएगा, नहीं जैसे कट रही है वैसे काट लेंगे, ठीक है नहीं? तो बहुत सारे स्टूडेंटों के लिए लास्ट चांस है, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब कुछ भूल भाल के एक बार लग जाओ, क्योंकि मैंने भी सब कुछ ड्रॉप कर दिया है, जो बैच चल रहे हैं उनको फिनिश कर रहे हैं, उसके बाद मेरे को भी इसकी प्रिपरेशन में लगना है, जी जान झोंकना है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं वो EWS बनाकर ही लगाएं, क्योंकि उनको 3 सीट एक्स्ट्रा मिलेगी जनरल के साथ। इसलिए अभी फॉर्म मत भरना, पहले EWS का फॉर्म के लिए अप्लाई करना, क्योंकि 6 से 7 दिन में EWS का फॉर्म, EWS का सर्टिफिकेट आपका आ जाता है। स्टेट लेवल का चाहिए का, नेशनल लेवल की जरूरत है नहीं, ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत कोई डाउट, जाते जाते लाइक जरूर करते हुए चलना, और सबसे इंपॉर्टेंट शेयर करो भाई, लोगों को पता लगेगा तो जुड़ेंगे ना अपन से बच्चे। तो मिलते हैं संडे को शाम को, ठीक है 22 तारीख को शाम को 6 बजे बिल्कुल लाइव सेशन, और कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं रहेगा। और एक चीज ध्यान रखना, लाइव जो वीडियो है उसमें पढ़ने का मजा कुछ और है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ऑफलाइन ऑफलाइन, बिल्कुल अभी चल रहा ही नहीं ऑफलाइन, बुला के भी क्या करें अपन। अभी कल परसों हरियाणा की बात है कि हरियाणा के जो जितने स्कूल थे उनमें 200 बच्चे तो कोरोना पॉजिटिव आ गए, और इतने ही टीचर कोरोना पॉजिटिव। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोरोना का जोखिम उठाओ, आप घर से पढ़ो, मोबाइल से पढ़ो, लैपटॉप से पढ़ो, डेस्कटॉप से पढ़ो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बढ़िया तरीके से अपन इसको फिनिश करेंगे, ठीक है नहीं है? सिलेबस फरवरी के 2nd वीक तक होगा, पहले कह देता हूँ मैं, कोई सिलेबस की जल्दीबाजी नहीं करें, और जो मैं DPPs वगैरह आपको दूंगा उसको रेगुलर बेसिस पे सोल्व करें, साथ में जो टेस्ट है वो टेस्ट वगैरह दें। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल जितने भी आज तक RPSC ने केमिस्ट्री बेस्ड एग्जाम लिए उनके सारे क्वेश्चंस जो है आपके लिए लेके आऊंगा, उनको सोल्व करके बताऊंगा बाकायदा, आपके लिए बढ़िया तरीके से अपन फिनिश करेंगे, ठीक है नहीं है? मैं ये चाहूंगा कि जो केमिस्ट्री की जो कसर है वो बाकी नहीं रहे, ठीक है? नेट लेवल नहीं पढ़ना है, पहले कह रहा हूं, अगर किसी के दिमाग में ये चल रही है कि अपन को नेट लेवल पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है तो उसके हाथ जोड़ लेना भाई, नेट लेवल नहीं पढ़ना है अपन को, केवल और केवल RPSC लेवल पढ़ना है। और कोलेज लेक्चरशिप का पिछले साल का पेपर उठा के देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका लेवल क्या चलता है, कितने गिरे हुए क्वेश्चन आते हैं। बस ये है कि अपन को जो लेवल है वो ग्राउंड से मिड तक रखना है, इसके ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि फिर गोलमाल हो जाएगा। हाई लेवल का पढ़ लोगे, लो लेवल का कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी GRF में 5वीं 6वीं 7वीं रैंक थी, उनको इंटरव्यू भी कॉल नहीं हुआ था। अब ये वो बहाना मार सकते हैं कि भाई GK का हमारा पोर्शन, GK VK का रोल कम होता है, क्योंकि 140 जनरल में 140-147 वालों को उन्होंने कॉल कर लिया था, तो इतने नंबर भी नहीं आए होंगे, तो 150 नंबर तो आपके केमिस्ट्री दे रही है। तो अगर GRF वालों की होती तो 150 नंबर तो केमिस्ट्री में आ जाते उनके, ठीक है नहीं है? तो ऐसा कोई वो नहीं है, तो आप ये मान के चलोगे जिनकी GRF हो रखी है या टॉप रैंक में है वो सिलेक्ट नहीं लेंगे, सिलेक्ट वो लेंगे जो एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस करेंगे और RPSC के लेवल के साथ अपना लेवल मैच करवाएंगे, ठीक है? तो नेट लेवल नहीं पढ़ना है, अगर नेट के नोट्स वगैरह हैं तो उनको बिल्कुल डाल के पैक कर देना, कोई मतलब वाली बात नहीं है, कंसेप्चुअल चलेंगे अपन और RPSC के लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है? किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मिलते हैं आपको आपसे संडे को 22 तारीख शाम को 6 बजे। नमस्कार, जय हिंद।